हे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि 0.1 मोलर का HCl वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें 0.1 मोलर का HCl बनाने के लिए किन किन केमिकल्स की आवश्यकता पड़ेगी। नंबर वन है कंसनट्रेट HCl, नंबर टू है THAM ट्राइज हाइड्रोक्सी मिथाइल एमीन मेथेन और नंबर थ्री है ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन इंडिकेटर। तो ये तो थे कि कौन कौन से केमिकल्स चाहिए। अब जानेंगे कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें 0.1 मोलर का HCl कितना बनाना है। हम सपोज करते हैं कि हम 1000 ml बनाना है, तो हम 1000 ml 0.1 मोलर का HCl बनाने के लिए सबसे पहले एक 1000 ml का क्लीन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेंगे और उसमें 100 ml वाटर ऐड करेंगे। देन अब उसमें 8.5 ml कंसनट्रेट HCl ऐड करेंगे और उसे कंटिन्यूसली स्टेयर करेंगे। स्टेयर करने के बाद उसमें 700 ml वाटर ऐड करेंगे और उसे मिक्स करेंगे। अब उसे रूम टेम्परेचर पर कूल होने के लिए रख देंगे। कूल होने के बाद उसे 1000 ml में मेकअप कर देंगे। ये तो था प्रोसेस कि हम 0.1 मोलर का HCl कैसे बनाते हैं। अब हम जानते हैं कि इसकी स्टैंडर्डाइजेशन कैसे किया जाता है। स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सबसे पहले हमें 0.5 ग्राम THAM ट्राइज हाइड्रोक्सी मिथाइल एमिनो मेथेन को 105 डिग्री सेल्सियस पर 3 hours के लिए ओवन में ड्राई करेंगे और उसे डेसीगेटर में कूल करेंगे। कूल होने के बाद उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने टाइट्रेशन फ्लास्क में और अब उसमें 50 ml डिस्टिल वाटर ऐड करेंगे और उसे डिसॉल्व करेंगे। अब इसमें 2 drops ब्रोमो क्रिसॉल ग्रीन इंडिकेटर डालेंगे और उसे 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन के साथ टाइट्रेट करेंगे। इसमें 1 ml 0.1 मोलर HCl एसिड बराबर होता है 121.14 mg ऑफ THAM। अब इसकी कैलकुलेशन हम इस फार्मूले के द्वारा करेंगे, m बराबर THAM इन mg अपान 121.14 × HCl in ml। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।